हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक फिजिक्स क्लासेस। और आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड में हम किस तरह से उसको बनाते हैं और उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास आज जो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या चीज है भाई? पीएन जंक्शन डायोड। टॉपिक का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। तो क्या चीज है पीएन जंक्शन डायोड? पीएन जंक्शन डायोड या पीएन डायोड बोर्ड्स बात कर सकते हैं हम। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ दिया। दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। ठीक हो गया भाई? तो इस पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है पीएन जंक्शन डायोड। इसका सिंबल ये है, दिस इज द सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड या पीएन डायोड। ये पी के लिए दिखाया जाता है, ये एन के लिए दिखाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब बात सुनो ध्यान से, पी में क्या थे हमारे पास भाई? होल्स ज्यादा थे। ठीक है, पी में क्या थे? होल्स ज्यादा थे कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, बिकॉज होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बट इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बट होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अगर आप लोगों ने ये अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछली वीडियोस को देखो प्लीज ध्यान से। ठीक है भाई, ये हमारे पास है भाई, हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया, प्योर एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों मिल गए। अब दोनों मिल गए तो एक चीज देखो ध्यान से। ठीक है, क्या चीज भाई? एक चीज सोचो, यहां इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम है और वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहां होल ज्यादा है, वहां होल कम है। इतना तो क्लियर है। अब यहां से इसी सोचो, जैसे मान लिया पानी की बात करें, एक गिलास में पानी था, दूसरे गिलास में पानी है। ठीक है, एक का लेवल ज्यादा था दूसरे से, तो अगर दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए थ्रू ए पाइप तो पानी जो है फ्लो करना शुरू कर देगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं आ जाता। ठीक है भाई, इस बात में तो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन दे विल स्टार्ट मूविंग विदाउट अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और ए बैटरी। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन जो है भाई वो यहां आ जाएंगे। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज बनाएगा इस पे, और यहां हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी क्रिएट होगी तो वहां क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट से यहां हमारे पास एक बैटरी बनेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसको नाम दिया जाएगा पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, क्या चीज है बात करते हैं अभी। उससे पहले ये बीच में क्या चीज है? ये हमारे पास होती है डिप्लीशन लेयर। क्या ये? डिप्लीशन लेयर। और डिप्लीशन लेयर का जो साइज है वो 10^-6 मीटर के अराउंड होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर की रेंज में। डिप्लीशन लेयर क्या चीज है भाई? ये एक सेमी फ्लूइड टाइप की लेयर है जो पी और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं, तब एक न्यूट्रल लेयर बनती है दोनों के मिक्स होने से, मतलब उनके रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास में क्या बनेगा? एक लेयर बनेगी जिसको नाम देते हैं डिप्लीशन लेयर। दिस इज न्यूट्रल लेयर, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में? इक्वल अमाउंट में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इक्वल अमाउंट में। ठीक है, और इक्वल अमाउंट में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो क्या होगी? न्यूट्रल। और इसके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं इनको नाम दिया जाता है इमोबिल आयन। ठीक है, ध्यान रहे ये वीडियो जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे कंप्लीट लास्ट तक तो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी सही तरह से क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर क्या चीज है
और इमोबिल आयन क्या चीज है, ठीक है। इमोबिल आयन का मतलब क्या है, वो आयन जो कहां पे होंगे, डिप्लीशन लेयर के अंदर होंगे, जो कि कभी मूव नहीं करते, जिसकी वजह से एक न्यूट्रल लेयर क्रिएट हुई है जिसको डिप्लीशन लेयर नाम दिया गया, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास है इमोबिल आयन, जो इसके अंदर क्या होंगी। मोबाइल का मतलब होता मोशन, इमोबाइल का मतलब जो बिना मोशन में हो, ठीक है। तो ये कभी मोशन में नहीं आते। बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर की। पोटेंशियल बैरियर क्या चीज है, दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ऑन बोथ एंड्स ऑफ द डिप्लीशन लेयर व्हिच अपोज फर्दर फ्लो ऑफ करंट थ्रू द जंक्शन डायोड। मतलब जितना करंट फ्लो करना था वो कर चुका है, उसके बाद करंट को फ्लो करने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करता है, ठीक है, क्लियर बात। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है, इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू सिलिकॉन के लिए होती है भाई 0.6 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट। याद रखना ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, फॉर सिलिकॉन दिस इज 0.6 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट, ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं। ये हमारे पास था भाई पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या चीज है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों जो थे उनका कॉम्बिनेशन है। अब इसके अंदर ये टर्म क्या, पोटेंशियल बैरियर है, ये हमारे पास में इमोबिल आयंस है, ये हमारे पास में पोटेंशियल डिप्लीशन लेयर था। अब एक चीज सुनो, बिना बैटरी अप्लाई किए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इस तरफ। अब एक बात बता, जब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कैरियर मूव करता है तो इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। तो बिना बैटरी अप्लाई किए जो करंट फ्लो करेगा ना, उस करंट को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन करंट, बिकॉज दिस जनरेटेड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन कैसे भाई हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो डिफ्यूज होने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो चार्ज कैरियर मूव कर रहे थे और इसकी वजह से करंट यहां पे जनरेट हुआ है, जिसको नाम दिया जाएगा डिफ्यूजन करंट, ठीक है भाई। जानना, बिना कोई बैटरी अप्लाई किए चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से जो करंट बनेगा उसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन करंट, ठीक है, क्लियर है। यहां तक करेंगे आज वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे भाई पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।